दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत अदाकारा की, जिन्होंने मिस इंडिया का ताज अपने नाम करने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। साथ ही उनके जलवे देखकर ग्लैमर वर्ल्ड ने इन्हें बॉम्ब शेल जैसे टैग भी दिए। बचपन से ही अभिनय जगत की ओर आकर्षित रहने वाली इस अदाकारा को खून भरी मांग जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको 80 और 90 के दशक में मशहूर रही अभिनेत्री और मॉडल सोनू वालिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोनू अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी और लंबे कद के चलते काफी चर्चित रहीं और कहीं ना कहीं यही उनकी परेशानी का सबब भी बना। अपनी पहली ही फिल्म में स्विम सूट पहनकर ग्लैमरस अंदाज बिखेरने वाली सोनू ने रेखा जैसी सुपरस्टार को भी कड़ी टक्कर दे डाली थी। पर दिल्ली से माया नगरी मुंबई तक का शानदार सफर तय करने वाली सोनू का करियर धीरे धीरे पटरी से उतरता गया। वक्त के साथ वो बॉलीवुड की लॉस्ट एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सोनू वालिया के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प और अनकहे किस्से आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड के तीनों खानों को सोनू ने क्यों अपने करियर का दुश्मन बताया था। इसके अलावा आज सोनू कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। सोनू वालिया मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1964 को दिल्ली में ही हुआ। इनका असली नाम संजीत कौर वालिया है। अपने स्कूली दिनों से ही सोनू को ड्रामेटिक्स में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूल के कई नाटकों में हिस्सा भी लिया था। स्कूल में अपनी स्टेज परफॉर्मेंसेस के दौरान सोनू को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। इस कारण सोनू ने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना संजो लिया। बात इनकी शिक्षा की करें तो इन्होंने कॉलेज में साइकोलॉजी और जर्नलिज्म की पढ़ाई की। कॉलेज की शिक्षा पूरी होने के बाद सोनू ने कुछ वक्त तक एक मीडिया हाउस के लिए काम भी किया। यहाँ सैलरी बहुत कम थी, इसीलिए धीरे धीरे उनका मन इस काम से उचटने लगा। बाद में इन्होंने मॉडलिंग में जाने का मन बनाया। जिस वक्त सोनू मॉडलिंग का रुख कर रही थी, उस वक्त बहुत कम लड़कियां ही इस फील्ड में जाती थीं, पर अपनी अच्छी हाइट और खूबसूरती की बदौलत सोनू बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स पाने में कामयाब रहीं। मॉडलिंग की दुनिया में कुछ वक्त काम करने के बाद सोनू ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। इन पैसों को जोड़कर सोनू ने मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और साल 1985 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया। खास बात ये रही कि सोनू ने ये ताज साल 1984 की मिस इंडिया और एक्ट्रेस जूही चावला के बाद जीता था, और साल 1986 में ये ताज मेहर जैसिया को सौंपकर अपनी मिस इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। तो दोस्तों, अब तक आपने सोनू वालिया की मॉडलिंग और मिस इंडिया तक का सफर देखा। चलिए आपको बताते हैं कि सोनू ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा। दरअसल ये वक्त साल 1988 के करीब का है, जब राकेश रोशन एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के लिए उन्हें एक खूबसूरत और ग्लैमरस अदाकारा की जरूरत थी। इस फिल्म की कहानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड थी। मिस इंडिया और मॉडलिंग के चलते सोनू पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी थीं, इसीलिए इस रोल के लिए उनको कास्ट कर लिया गया। बता दें कि ये फिल्म थी खून भरी मांग, जिसमें रेखा, कबीर बेदी और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में मौजूद थे। फिल्म खून भरी मांग में सोनू को नंदिनी का किरदार मिला, जो एक बोल्ड और ग्लैमरस किरदार था। फिल्म में कबीर बेदी और उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। इस पिक्चर का गाना तेरी हूँ जानम काफी पॉपुलर रहा। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म में सोनू उस वक्त की सुपरस्टार रेखा पर भी भारी पड़ी थीं। दोस्तों, फिल्म में अपने शानदार परफॉर्मेंसेस की बदौलत सोनू ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इनका फिल्मी करियर अभी शुरू ही हुआ था कि इन्होंने एक मेन स्ट्रीम फिल्म की जगह एक बी ग्रेड फिल्म में काम कर लिया। इस फिल्म का नाम था आकर्षण। इस फिल्म में सोनू ने प्रिया का किरदार अदा किया था। फिल्म आकर्षण में उन्होंने काफी बोल्ड सीन्स दिए थे। अपनी दूसरी ही फिल्म में ऐसे सीन्स देने के चलते क्रिटिक उन्हें बॉम्ब शेल बुलाने लगे। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये सोनू के करियर के लिए गलत फैसला साबित हुआ। इसके बाद उन्हें फिल्में तो ऑफर हुईं, पर फिल्मों में अक्सर उन्हें बोल्ड किरदार या आइटम सॉन्ग्स ही मिल रहे थे। इसी बीच उन्होंने टीवी पर भी काम किया। उन्हें टीवी शो महाभारत कथा और बेताल पच्चीसी में भी देखा गया। आइए अब एक नजर इनकी फिल्मों पर डालते हैं। इनके करियर में अपना देश पराए लोग, महादेव, तूफान, क्लर्क, हातिम ताई, नंबरी आदमी, खेल, हक, प्रतिकार, दिल आशना है, फौजी, कसम और जय मां शेरावाली जैसी फिल्में चर्चित रहीं। ऐसा माना जाता है कि सोनू वालिया को बतौर लीड फिल्में न मिलने की वजह उनकी लंबी हाइट थी। दरअसल जिस वक्त सोनू ने फिल्मों में एंट्री ली, उस वक्त लीड एक्ट्रेस के तौर पर सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे औसत कद वाले अभिनेता लिए जा रहे थे।
इस दौर में लंबे कद वाले एक्टर्स जैसे अमिताभ, कबीर बेदी और धर्मेंद्र आदि का करियर बतौर लीड एक्टर्स ढल चुका था। ऐसे में लंबे कद की एक्ट्रेस को बतौर लीड कास्ट करना मुश्किल था। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया भी था कि लंबी हाइट के चलते उन्हें शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे अभिनेताओं के अपोजिट लीड रोल्स नहीं मिल पाए। एक तरह से सोनू के करियर की बर्बादी का मुख्य कारण उनकी लंबी हाइट ही थी। दोस्तों, जब सोनू वालिया को लगा कि अब फिल्मों में उनके लिए कुछ खास करने को नहीं रहा है, तो उन्होंने वापस से छोटे पर्दे की ओर रुख किया, पर इस बार उन्हें सफलता यहां भी नहीं मिली। आइए अब एक नजर उनकी फैमिली लाइफ पर डालते हैं। सोनू के पिता का नाम सतिंदर वालिया था और माँ का नाम दमनजीत कौर था। सतिंदर वालिया एक आर्मी ऑफिसर थे जबकि दमनजीत एक होम मेकर थी। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम मोनू वालिया है। साल 1995 में सोनू ने NRI बिजनेसमैन सूर्य प्रताप सिंह से शादी की। प्रताप ने शादी करने से पहले कुछ समय के लिए उन्हें डेट किया। इसके बाद घर वालों की रजामंदी से शादी की। माना जाता है कि सोनू और प्रताप की एक बेटी भी है, पर उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साल 2009 में सोनू वालिया के पति सूर्य प्रताप की किडनी की खराबी के चलते मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद सोनू भारत वापस आ गईं। इसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, पर फिल्म प्रोडक्शन में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिलहाल वो मुंबई में ही रह रही हैं। कभी इंडस्ट्री में बोल्डनेस और बेबाकी के लिए मशहूर हुई सोनू आज प्राइवेट पर्सन बन चुकी हैं। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी अधिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि सोनू वालिया के फैंस उन्हें दोबारा पर्दे पर कब देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनू वालिया की दास्तान। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को आपने एंजॉय किया होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बायोग्राफी के अगले वीडियो में।